तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मणिपुर के इम्फाल में और आज हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं इमा मार्केट। इमा मार्केट का मतलब है मदर मार्केट, जो कि और वैसे भी इस मार्केट का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये मार्केट वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट वुमेन रनिंग मार्केट है। तो यहाँ पर आपको इस मार्केट में सभी औरतें देखने को मिल जाएंगी सामान बेचते हुए। तो ठीक है, आज हम इस प्यारे से वीडियो को यहीं से करते हैं शुरुआत। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस क्या है कि मैं हूँ अभी इम्फाल और इम्फाल में आज मैं हूँ रुका हुआ था यहाँ गुरुद्वारा साइड में। तो यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ और निकल के जाऊँगा। अभी यहाँ पीछे एक मार्केट लगती है जो कि एशिया का सबसे बड़ा लेडीज़ मार्केट है, मतलब कि औरतों द्वारा चलाई जाती है। तो चलते हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए और फिर मिलते हैं आपसे सीधा वहीं पर। भाई अभी मैं था इस मार्केट में और यहाँ पर बिक रहा सारे हथियार, मतलब कि जो कि डेली नीड के यूजेस है, जैसे कि लाइक ये कुल्हाड़ी हो गया, ये किस लिए है? ओके 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 ओके, ये तमुन करने वाला तमुन सुपारी, ये सुपारी काटने के लिए। ये तो मैंने आसाम में देखा था, लोगों के घर में होता है, वही है ना। तो गाइस इस लोकल मार्केट में आपको ये तीर भी मिल जाएगा और ये किस लिए है? ये ट्रेडिशनल डांस के लिए क्या है ना? अच्छा ये क्रॉस रहेगा। तो भाई ये मेरे चैनल पूछ रहे थे, दीप एक्सप्लोर, कैन आई सर्च या? ओके वेट, मार्केट घूमते घूमते सब्सक्राइबर भी ढूंढ रहा हूँ मैं। दिस वन, थैंक यू। तो भाई क्या था ना कि यार इम्फाल में मुझे घूमने के लिए समझ में नहीं आता कि मैं कैसे घूमूं। तो सिल्की को मैंने कांटेक्ट करा और थैंक यू सो मच इज कमिंग हियर। और अभी हम दोनों मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये है इमा मार्केट। इमा मीन्स मदर, इट मीन इंडिया लार्जेस्ट मदर मार्केट, ओनली वुमेन मार्केट। तो भाई क्या है ना कि मैं और सिल्की आ गए इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। स्पेशली क्या है कि क्या ना कि यहाँ मार्केट में ना बहुत सारी चीजें नहीं है यार, मतलब जो पकौड़े के ना ये लोग बोरा बोलते हैं। सॉयबूम, मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में होता ना कि बास्ता, सेम चीज़ है, इसको बोलते क्या बोलते हैं? सोईबूम। मुझे ऐसा लगता है ना यार कि मतलब डिफरेंट मार्केट, तो मैं समझता हूँ है ना, क्या होता है कि हर जगह पे जाके चीज़ें बदल जाती हैं और उसका नाम बदल जाता है। जैसे कि मैंने बस्तर में गया था है ना, वहाँ पर भी बैम्बू का हम लोगों ने सब्जी खाया था, इसको बास्ता बोलते हैं वो लोग, और यहाँ पर सोईबूम, क्या बोलते हैं, सोईबूम बोलते हैं। तो मतलब नाम अलग अलग है पर चीज़ें वही। तो अभी सिल्की मेरे को पूरा का पूरा मार्केट घुमा रही हैं और स्पेशली भाई इन्होंने बताया ये लोकल होने का फ़ायदा है कि क्योंकि मैं जब लास्ट कल आया था शाम के टाइम में मुझे एक्सप्लोर करने के लिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। एक्चुअली मैं कल आया था मैं मार्केट में, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, हंस रहे हैं। क्योंकि आप मैन मणिपुरी है ना, इसलिए आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा। और इसको यूपी में ढोडा बोलते हैं, ढूंढा, मतलब यूपी में अलग है और हमारे इधर लाई बोलते हैं। लाई, इट्स नॉट मीन झूठा, इट्स नॉट टेलिंग लाई, इट्स अ वर्ड, इज लाई। क्या ना कि इस मार्केट में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो तीन बाजार बना हुआ है। एक मार्केट में क्या है कि सारी डेली नीड्स का सामान मिलता है और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले को एक्सप्लोर करने के लिए।
जी ये वाला सेक्शन है, ये है इमा मार्केट का 3 नंबर, है ना? ये 3 नंबर है, नंबर 3 मार्केट है। और यहाँ पर क्या है कि मोस्टली लेडीज प्रोडक्ट है, क्या बोलते हैं इसको, फनी फने फने लाइक जस्ट वियरिंग ऑफ डाउन साइड। ओके मार्केट में ना एक चीज़ मेरे को बड़ा अच्छा लगा, यूनिक लगा, क्योंकि एक और चीज़ बिक रहा है यहाँ पे जिसको कहते हैं पिलोज, है ना, एक तरह से ये पिलो है, ये है ब्राइड के लिए, है ना, मतलब ये लड़की के लिए, और ये है लड़के के लिए, मतलब जिसकी भी शादी होती ना तो उसके लिए स्पेशली होता है ये। For tribal. Yeah. तो वैसे क्या है कि अभी हम लोगों ने मार्केट को कर लिया एक्सप्लोर, ये था कुछ इमा मार्केट। और इमा मार्केट भाई काफ़ी खास है स्पेशली इम्फाल और मणिपुर के लिए, क्योंकि भाई जितने भी मतलब जितनी भी दुकानें हैं स्पेशली अगर मैं बात करूं तो सारे की सारी ट्रेडिशनल भी है और डेली नीड वाली सामान भी है, तो सारा कुछ मिल जाता है ओवरऑल। अभी इसको एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग जा रहे हैं फोर्ट, कंगला फोर्ट। हम लोग आ चुके हैं कंगला फोर्ट के अंदर। जैसे मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये है भाई काफी बड़ा सा गेट और ये है उसका मैप। ये कहना है कि हमने सोचा है कि यार पैदल जाने से अच्छा है ये छोटी वाली गाड़ी कर लें अपने लिए। तो अभी इसका 1 राउंड का मतलब अगर हम लोग कहीं भी नहीं रुकते हैं तो भाई एक बार जाएंगे और सेंट्रल पॉइंट पे आने का ये लेगा पर पर्सन का 50 रुपीज़। तो मुझे लगा कि ये मच बेटर यार, इसी बहाने हम लोग देख भी लेंगे और मेरे को लगता है कि अगर कुछ और घूमने वाला जगह है तो जाके मैं घूम भी आऊँगा मणिपुर। दैट्स व्हाई भाई साहब मेरे साथ हो गया धोखा। दिखाया था ये वाली गाड़ी ले जा रहे हैं इस वाले में, मैडम दिस इज नॉट फेयर। राइड को इस छोटे से धोखे के साथ किया स्टार्ट और लेट्स स्टार्ट। सच बताऊं तो मुझे कुछ खास लगा नहीं कंगला फोर्ट, और फिर भी अब पैसे दिए तो देखना तो बनता था। देखने के बाद हम लोग निकले बाहर को और फिर हम लोग जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। तो क्या है ना कि अभी हम लोग कंगला फोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे, करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेडिशनल फूड को ट्राई करेंगे, क्योंकि आई थिंक अगर एक नई सिटी में जा रहे हैं, नए जगह पर जा रहे हैं, तो ट्रेडिशनल फूड को ट्राई करना इम्पोर्टेंट है, है ना, है ना है। मैं यार देखो खा पी के आया तो भी मेरा हाल बुरा है, बंदी नहीं खा पी के आई तो भी अच्छी लग रही है। तो इवन अभी चलते हैं कुछ खाते हैं और इनको भी कुछ खिलाते हैं क्योंकि भूख लग रही है अभी। हम लोग कंगला फोर्ट से निकले और पहुंच गए मणिपुरी थाली खाने के लिए लक्ष्मी किचन। क्या है ना भाई साहब कि अभी हम लोग घूमने के बाद खाने आ गए, स्पेशली यार इतनी लंबी चौड़ी थाली देख के ना मतलब मैं तो हैरान हो गया हूँ फर्स्ट टाइम। तो भाई साहब हम लोगों ने खाना मंगवा लिया है ना, इस जगह का नाम क्या था, लक्ष्मी किचन। लक्ष्मी किचन। तो अभी हम लोग हैं इम्फाल के लक्ष्मी किचन में और यहाँ पर भाई यहाँ से हम लोग स्पेशल फूड ट्राई कर रहे थे। बाकी आप लोग देख रहे इतना सारा खाना, आई कांट बिलीव है कि मैं खाऊंगा इन चीज़ों। लिटरली स्टार्टेड यार, लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये है काली खीर, है ना, यहाँ पे ब्लैक राइस होता है तो ये है ब्लैक राइस का खीर, है ना, ये कुछ बादाम है और बाकी इन सब चीज़ों का तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज़ असल में। भाई साहब खा लिया हम लोगों ने, खाना हो गया कंप्लीट।
आज के वीडियो में कुछ यही कुछ था, हम लोग बस घूमने गए थे, मार्केट एक्सप्लोर करा, खाना खाए और खाना खाने के बाद बस इस मैडम को जाने का टाइम आ चुका है। तो चलो इनको पहले बाय बाय बोलते हैं। सो बाय, होप सो वी मीट वंस अगेन, आई डोंट नो वेयर बट टिल वी मीट, बाय बाय।